और चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन के बीच बड़ी खबर आ रही है। ताइवान के एयरपोर्ट पर कोरिया एयरक्राफ्ट उतरे थे। ताइवान की धरती पर दक्षिण कोरिया के एक दो नहीं बल्कि कुल 6 एयरक्राफ्ट उतरे थे। दक्षिण कोरिया के ये जेट ब्लैक ईगल थे जो करीब 4 घंटे तक ताइवान में रुके हुए थे। इन एयरक्राफ्ट के साथ एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उतरा जिसमें कोरियाई स्टाफ भी थे। एयरक्राफ्ट ताइवान क्यों पहुंचे थे, क्या वजह थी, इसको लेकर चीन को कितनी टेंशन है, इस रिपोर्ट में आपको दिखा दें। चीन को ताइवान ने दी एक और टेंशन। ताइवान में उतरे कोरियाई एयरक्राफ्ट चीन ताइवान टेंशन के बीच महाजंग किया है। एक के बाद एक कुल 6 एयरक्राफ्ट ताइवान की सरजमी पर उतरने की ये तस्वीरें चीन को टेंशन दे सकती हैं। ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरने वाले ये एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल थे। ताइवान चीन तनाव के बीच 6 ब्लैक ईगल विमान ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरे। इन तस्वीरों को देखकर ताइवान की सीमा से कुछ दूर समंदर में तैनात जिनपिंग आर्मी को झटका लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान को जिनपिंग आसानी से कब्जा करने की सोच रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। ताइवान पर कब्जा करने से पहले चीन को कई देशों से संग्राम करना होगा जिसमें एक दक्षिण कोरिया भी हो सकता है। ताइवान से प्रकाशित लिबर्टी टाइम्स के मुताबिक दक्षिण कोरियाई वायुसेना की ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम 18 अगस्त को सुबह 11 बजे शियोगांव के काउंशिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची और करीब 4 घंटे तक ये एयरक्राफ्ट ताइवान में रुके थे। इससे पहले ताइवान के एयरपोर्ट पर C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरा था जिसमें ब्लैक ईगल एरोबेटिक टीम का पूरा स्टाफ था। फिर एक एक करके कुल 6 T-50 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट उतरे। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट फिलीपींस में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे, फिर ईंधन भराने के लिए ये ताइवान के काओशुंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और 4 घंटे बाद फिर से सियोल के लिए उड़ गए। हालांकि ताइवे की तरफ से ब्लैक ईगल के उतरने की पूरी जानकारी साझा करने से इनकार किया गया है। कहा गया कि ये लैंडिंग कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन ये लैंडिंग ऐसे समय में हुई जब चीन की तरफ से ताइवान को टेंशन दिया जा रहा है, इसलिए कोरियाई ब्लैक ईगल के उतरने के पीछे वॉर ड्रिल भी हो सकती है। उधर रूस यूक्रेन के बीच जंग के दौरान विश्व दो ध्रुवों में बटा दिखा, तो एक बार फिर से चीन ताइवान टेंशन के दौरान दो धड़ा दिख रहा है। चीन के समर्थन में अब तक दो देश खुलकर सामने आ चुके हैं, इनमें एक उत्तर कोरिया है और दूसरा रूस। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है तो ब्रिटेन का भी उसे साथ मिल रहा है, और जब उत्तर कोरिया चीन के साथ है तो जाहिर है दक्षिण कोरिया ताइवान के साथ है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट ताइवान सिर्फ ईंधन भरने नहीं बल्कि वॉर ड्रिल के लिए उतरे होंगे। अगर युद्ध हुआ और ताइवान को दक्षिण कोरिया का साथ मिला तो उसके ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि T-50 सीरीज दक्षिण कोरिया का खुद का बनाया एयरक्राफ्ट है और इसके दो मॉडल हैं। दक्षिण कोरिया ने 2002 में पहले T-50 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था।
जाहिर है अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान का साथ देने वाले ऐसे देश हैं जो चीन का मुकाबला करने में सक्षम है।